घटनाएं घटित हुई। हमें 13 लोगों को जेल यात्रा कराई गई, हमारे कई साथियों पर मुकदमे दर्ज कराए गए और उसके बाद जो हमारे साथियों ने अपना मनोबल तोड़े बिना बहुत बड़ा जो संघर्ष किया, उन लोगों ने हमारी रिहाई को लेकर और इन सभी तमाम मांगों को लेकर जो संघर्ष किया वो काबिल-ए-तारीफ है और हम सब ने ही यहाँ पर पहुंचकर उन सभी साथियों के साथ और हमारी जो जेल गई जो 13 लोग थे वो सभी और जो यहाँ पर बैठे लोग थे उन सभी के साथ जो हमने अपनी जो एक बैठक की है उसमें जो चीजें सामने आई है वो ये है कि माननीय न्यायालय जो के जो दिशा निर्देश है उन्होंने जो कंडीशनल बेल दी थी उन चीजों को लेकर जो माननीय न्यायालय के हमारे दिशा निर्देश है उसको लेकर हमारी ये सहमति बनी है कि इस न्यायालय परिसर को हम यहाँ पर इस सत्याग्रह को स्थगित करते हैं, परंतु हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी जो मांगे हैं कल भी हमारी वही मांगे थी, आज भी हमारी वही मांग और आगे भी वही मांगे रहेगी। इन तमाम साथियों के साथ बोलना दे। उस आंदोलन की रूपरेखा फिर से तैयार की जाएगी और इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन बनाया जाएगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है या जब तक सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाती है हम इस आंदोलन को लड़ेंगे। हमें आंदोलन के माध्यम से ये मांगे मनवानी पड़े या हमें लीगल तरीके से ये लड़ाई लड़ने पड़े, सभी प्रकार से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सबका निर्णय हुआ है। के बाद आखिर वो क्या करने वाले, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? ऐसा हो गया है जहाँ पर सरकार ही डिसाइड करेगी कि तुम्हें अपनी आवाज कहाँ से उठानी है। ये संविधान को कुचलने की बात हो रही है। अब सरकार ने उस जंगल में उस खड पर जगह दी है, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन हमें कोई उचित स्थान देगा और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश के तमाम संगठन या तमाम राजनीतिक दल भी उसका विरोध करेंगे। अगर सबको वही हमें वो जगह स्वीकार नहीं है, इसके लिए हमें या तो न्यायालय की शरण भी लेनी पड़े तो धरना स्थल के लिए न्यायालय की शरण भी लेंगे, क्योंकि वहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया जा सकता। और दुर्भाग्य तब है हमारा कि आंदोलन से प्राप्त राज्य जिस पर कई लाखों आंदोलन किए गए और उस राज्य में ही एक उचित स्थान अपनी आवाज को उठाने के लिए नहीं है, ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। यहाँ के सामाजिक संगठनों का दुर्भाग्य है, यहाँ के राजनीतिक दलों का दुर्भाग्य है। आपने भी कोई जगह तय की है? देखिए, हमने केवल माननीय न्यायालयों के आदेश या उनका सम्मान करते हुए केवल हम कोर्ट परिसर जो कचहरी परिसर है उसको खाली कर रहे हैं और आंदोलन जारी रहेगा। मांगे वही रहेगी, आंदोलन फिर से लड़ा जाएगा। अभी जगह डिसाइड नहीं हुई कि हमें कहाँ करना है, उसके लिए प्रक्रिया हमने परसों से चलाना शुरू कर दिया है। अगर शासन प्रशासन हमें नहीं देता है जगह तो हम कोर्ट की शरण भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमें जो भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब जन आंदोलन है और निर्णायक लड़ाई इसको बनाना है। इसलिए हम सब यही कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई जारी रहेगी, मांगे वही रहेगी। और जो प्रत्येक भर में हमारी सारी इकाइयां हैं जिन्होंने जिला स्तर पर कार्यक्रम किए, जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर तहसील स्तर पर कार्यक्रम किए, उन सबसे संपर्क करके और हमारे तमाम जो यहाँ पर क्रांतिकारी बैठे हुए थे जिन्होंने डटकर मुकाबला किया उन सबके साथ बैठकर, 13 लोग जो जेल गए उन सबके साथ बैठकर रणनीति तय की जाएगी कि किस प्रकार से इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन बनाना है, निर्णायक तक ले जाना है। थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंदोलन है वो चलो ना भाई अभी वाइट लेकर फोटो भेजिए और फिर से तो कॉल करिए हमें क्या थोड़ा।